तो सच बताना, कभी ना कभी तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि यार जिस एप्लीकेशन से आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, और मैंने तो उस एप्लीकेशन के बारे में काफी बताता रहता हूं कि यार इस एप्लीकेशन में ना आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। और ये एप्लीकेशन में यहां क्यों कर सकते हो, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप यहाँ म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब समझ लो कि आप अगर कहीं से कुछ सामान खरीदने जाते हो ना, तो आप सोचते हो कि यार मुझे होलसेल से लेना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट का होलसेल समझ लो यही है, यही ग्रो ऐप है। लेकिन कभी अगर ये ग्रो ऐप, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ये सारे एप्लीकेशन अगर भाग गए, भागना इन द सेंस या बंद हो गए, या सरकार ने इसको बोला कि भाई बंद करो, अब ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, बंद करो, क्या पता कुछ भी हो सकता है, तो ये तब उस कंडीशन में क्या होने वाला है, काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर तो बहुत पहले मैं दे चुका हूं, लेकिन दोबारा दे रहा हूं। आज काफी लोगों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं कि सर ग्रो एप्लीकेशन जो बताते हो, अगर बंद हो गया तो क्या होगा हमारे पैसों का। तो डिटेल वीडियो होने वाली है, और लास्ट में बताऊंगा कि भाई ऐसी क्या ट्रिक है जहां आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट ना आप एक वेबसाइट से दे सकते हो, तो वीडियो पूरी देखना। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ग्रो एप्लीकेशन, आप स्टॉक्स, एंजल वन, फिनिटी, फाइव पैसा, ये सारे एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रोकर कंपनीज हैं। अगर ये बंद हो गए तो क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो पैसा डालते हो, तो भाई ये पैसा जाता कहाँ है। अगर ये समझना इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो जाएगा, थोड़ा सा जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट में बताऊंगा कि यार डर खत्म होने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रैक कर सकोगे, राइट। तो देखते हैं आपका पैसे का फ्लो कैसा होता है। सपोज हमारे सुमित भाई ने, उनको पैसे मिले, वीडियो से मोटिवेटेड हो के वो स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और बोले सर अब तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, मैंने सुना है कि 2000 पर मंथ एसआईपी आप करते हो, एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, ठीक है ना। तो वहां पास आने वाले समय में लगातार आप हर महीने पैसे डालते हो, तो आने वाले समय बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, मोर देन 1 CR 2 CR बन जाता है, ठीक है ना, कंपाउंडिंग अच्छी मिलती है, 10-15% रिटर्न आराम से मिल जाता है। तो चलो एक काम करते हैं, मोटिवेट होके सुमित भाई ने यहां पास अपना पैसा, ग्रो एप्लीकेशन एक ब्रोकर कंपनी है, वहां पास पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। कैसे किया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक थी मेरे, वहां उन्होंने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके केवाईसी कंप्लीट करके कुछ फंड, मैंने बताया इनिशियली कुछ फंड है, 2-3 फंड बहुत अच्छे अच्छे फंड है, उस फंड में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, उनका पैसा ग्रो एप्लीकेशन पे चला गया। अब ये ग्रो एप्लीकेशन पे जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा डाला, तो इसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट हुआ, ठीक है ना, और 2-4 दिन में उनके डैशबोर्ड में वो दिख रहा है, ठीक है ना, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पैसा किया, अकाउंट से लिंक रहता है तो अकाउंट से कट गया। अब अकाउंट से उन्होंने जब काटा तो ग्रो एप्लीकेशन में पैसा रहा। आपका पैसा जब आपने यहां पैसा डाला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो निगरानी करती है कि भाई जो उनके इन्वेस्टर हैं, हम जैसे लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके पैसों के साथ धोखाधड़ी ना हो कभी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिपॉजिटरीज बनाई है, CDSL, NSDL जैसे डिपॉजिटरीज, मतलब आपका पैसा ग्रो एप्लीकेशन एक माध्यम है, केवल एक ब्रोकरेज संस्था है, जो केवल सेलिंग में, या अगर कोई शेयर आप सेल करते हो, बाई करते हो, तो आपको मदद करती है, केवल हेल्प करती है, पैसा यहां नहीं रहता आपके पास। थोड़ा रिलीफ मिला होगा सुन के, हाँ रिलीफ मिला होगा, यहां पैसा आपका नहीं रहता, आपने पैसा यहां इन्वेस्ट किया, ग्रो एप्लीकेशन के पास सीधे पैसा गया, कहां पास, डिपॉजिटरी से पैसा गया। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो पैसे, सपोज एक्सिस बैंक, SBI, निपॉन, कोटक, DSP, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस कंपनी के माध्यम से पैसा जाता है CDSL, NSDL में, डिपॉजिटरी से पैसा जाता है, यहां पैसा आपका सेफ रहता है। और इन दैट केस कभी अगर ऐसा हो जाए बाय चांस कि कंपनी अगर बंद होना चाहिए, तो ये पैसा आपके पास वहां अधिकार रहता है कि आप अपना पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट आपका रहता है, आप ये ब्रोकरेज भी चेंज करवा सकते हो। डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन देना होगा CDSL, NSDL में, एक एप्लीकेशन देने के बाद आपकी जितनी भी डिपॉजिट, जो भी पैसा रहता है ना, वो सारा आराम से ट्रांसफर हो जाता है दूसरे ब्रोकरेज में। दो कोई भी अगर ब्रोकर, आप नया ब्रोकर लेना चाहते हो, जैसे ग्रो के बाद कोई और लेना चाहते हो, तो वहां ट्रांसफर होता है, होता नहीं है बंद। लेकिन इन दैट केस चांस
अब देखो क्या होता है इसके पीछे, एक तो रीजन आपको समझ में आ गया कि आपका पैसा यहां नहीं रहता, आपका पैसा डिपॉजिटरीज में रहता है, और ये डिपॉजिटरीज ऐसा है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ऑथोराइज डिपॉजिटरीज है जो सेबी रेगुलेट करती है, सेबी निगरानी करती है, पहली बात हो गई अगर पैसा आपका इन्वेस्ट हो गया। अब सेकेंड चीज हो गई कि जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे हम लोगों ने LIC जब हम लोग करवाया है बहुत पहले, जिन्होंने करवाया उनको पता होगा, LIC करवाने के बाद आपको एक पॉलिसी नंबर मिलता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो, आपको मिलता है एक फोलियो नंबर। काफी लोगों को पता होगा, जो लोग इन्वेस्ट ऑलरेडी किए होंगे उनको पता होगा कि उनको एक फोलियो नंबर मिलता है, और फोलियो नंबर मिलने के बाद आपके पास ये राइट्स रहता है। देखो यार, फोलियो नंबर आपको मिल गया, दो से तीन दिन में जब भी आप पैसे डालते हो तो दो तीन दिन बाद आपको फोलियो नंबर मिल जाता है, दो तीन वर्किंग डेज में। अब ये फोलियो नंबर की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये फोलियो नंबर से क्या हो सकता है कि आप ना डायरेक्ट, जैसे मान लो एग्जाम्पल हूं, अगर आप एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो आप ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से इन्वेस्ट किया आपने, या कोई भी अदर एप्लीकेशन में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको फोलियो नंबर मिलता है। फोलियो नंबर आप डायरेक्टली axisbankmutualfund.com पे जाना है, जिसको बोलते हैं AMC, मतलब एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है लोग, तो वहां डायरेक्ट वेबसाइट पे अपन जाएंगे, लॉग इन क्रेडेंशियल्स बनाएंगे, अपन लॉग इन यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, तो वहां भी छोटी सी KYC कंप्लीट करनी होगी, वहां आपको ये फोलियो नंबर मिलता है। और फोलियो नंबर मिलने के बाद आपका पैन नंबर डालोगे आप, ऑटोमेटिक जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो, तो घबराना नहीं है। ये तो CDSL SDL इसलिए होता है, डिपॉजिट इसलिए होती है ताकि कभी इन दैट केस अगर ये कंपनी भाग जाए या गवर्नमेंट बंद कर दे, कुछ भी हो जाए, तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आपका पैसा आराम से आप रिडीम कर सकते हो, डायरेक्टली अपने अकाउंट में रिडीम कर सकते हो, पहली बात। सेकेंड थिंग, आपको अगर देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, भले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक कर रहे हो, कोई प्राइवेट ब्रोकरेज कंपनी कर रहे हो, बहुत हो सकता है आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अलग अलग एप्लीकेशन से किया हो, तो उस केस में अगर आप देखना चाह रहे हो कि भाई मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो MyCAMS वेबसाइट है, MyCAMS में जाके MyCAMS जाके अपना अकाउंट क्रिएट करो, वहां अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको पूरी इन्वेस्टमेंट दिखती है, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात हो गई, आप अगर गलती से, हालांकि आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग म्यूचुअल फंड बैंक में जाके ब्रोकरेज से करवाते हैं, लेकिन एक वीडियोस मैंने बनाई थी, आप लोगों को दिखा होगा कि मैंने दिखाया था कि भाई बैंक से अगर आप करते हो म्यूचुअल फंड तो कितना आपको घाटा है, 5 से 10 लाख तक घाटा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो उसको देखने के बाद काफी लोग बोले थे कि सर कैसे बदले, IND एप्लीकेशन डाउनलोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको डाउनलोड करके आप वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट कर सकते हो, पहले। तीसरी बात, अब यहां पास IND एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड करोगे, पैन नंबर, सेम KYC प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहां भी आपको सेम चीज दिखेगा, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट दिखेगी, और दिखेगी कि भाई ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, रेगुलर है कि डायरेक्ट है। अगर आपकी रेगुलर है तो दिखेगा वहां कि भाई कितना कमीशन लग रहा है, तो आपको पूरी, आप उस मतलब आईडी मनी में ना पूरी पारदर्शिता पूरी रहती है कि कौन कौन इन्वेस्टमेंट आपने कहां का इन्वेस्ट किया है, कितने पैसे कहां डाले हैं, पूरा दिखता है कंप्लीट। और दिखने के बाद पूरा आपको जब उसमें दिखाता भी है कि भाई कितना कमीशन लग रहा है आपको, अगर रेगुलर प्लान में आप हो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो के बाद ना टेंशन तो बुरी तरह खत्म हो गई होगी कि सर ग्रो एप्लीकेशन अगर भाग भी जाए तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन है, ऐसा कुछ चांसेस नहीं है, लेकिन हमें हर प्रोस्पेक्टिव में बात करने की या उसको डिस्कस करने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पास बिल्कुल सेफ है आपका पैसा, घबराने की बात नहीं है, दो तीन चीज आप हमेशा अपने पास सेफ रखियो, जैसे फोलियो नंबर आपके पास होना चाहिए, पैन नंबर आपके पास रहता ही है, ठीक है ना। बाकी और भी कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोशिश करूंगा आपके कमेंट को देख के कुछ नए वीडियोस अगर रहती है जरूर बनाऊंगा। बाकी चैनल पे अगर नया है सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, जय।